हेलो एंड वेलकम टू कोर एकेडमी। माय नेम है शुभा खान और मैं आपको क्लास 8 का रूलिंग द कंट्री साइड के एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स बिगिन विद द मार्क्स द फॉलोइंग। कुछ नेम्स दिए हैं, उसको आपको उसके सामने उसके करेक्ट आंसर लिखे गए हैं। रेयोट्स, रेयोट्स का करेक्ट आंसर होगा पीजेंट्स। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उस समय भी बताया था। महाल मींस विलेज, ठीक है। निंज मींस कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, ठीक है। प्लांटर्स के अपने लैंड को निंज कहते हैं, ठीक है। रायोती कल्टीवेशन ऑन रायोट लैंड, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स, वेयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोअर ऑफ वुड इन यूरोप saw dash as a crop which would provide competition to their earnings. किसको as a crops competition competitors की तरह देख रहे थे? इंडिगो को। Is that clear? Second, the demand for indigo increased in the late 18th century in Britain because of the expansion of cotton production. Cotton की production बढ़ी तभी वहां पर dye की जरूरत पड़ी, ठीक है। Next, the international demand for indigo was affected by the discovery of synthetic dyes. जैसे जैसे synthetic dye आया तो indigo की जो demand है कम होते चले गई, क्योंकि as compared to synthetic dyes सस्ते भी थे, ठीक है। Next, the Champaran movement was against what? Champaran movement किसके against था? That was also indigo planters, ठीक है। Bengal में जैसे ही वहां पे जो कमीशन बैठती है वो क्लियरली बोल देती है कि अब किसी भी रेयोट्स को फोर्सफुली कल्टीवेशन या इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, तो टोटली बंगाल से बायकॉट कर दिया गया इंडिगो प्लांटेशन का। अब बंगाल ना हो के चंपारण या बिहार कह लीजिए, बिहार में पूरा सेटअप बैठाया गया इंडिगो कल्टीवेशन का, ठीक है। इसीलिए आगे चल के महात्मा गांधी भी डिस्कस करते हैं, आगे आप फर्दर पढ़ेंगे, एक रिवॉल्ट होता है जिसमें महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं और ये सारी बातें होती हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। पहले तो आप परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है, 2 या 3 लाइंस में, फिर उसके फीचर्स लिखिए, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। राजा एंड तालुकदार वर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे टू द कंपनी, ठीक है। एंड सम ऑफ द फीचर्स आर एज फॉलोज, अमाउंट पेड टू द जमींदार टू द कंपनी वॉज फिक्स्ड, ठीक है। बी, द राजाज वर मेड जमींदार्स। सी, जमींदार्स लॉस्ट देयर राइट्स ओवर द लैंड व्हेनेवर दे फेल टू मेक द पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये आपके लिए एक बेटर आंसर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सिस्टम। अल्टीमेटली आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम, आपके लिए एक बेटर आंसर ये हो सकता है। देखते हैं क्या। Holt McKenzie diverged it and it came on effect in 1822, whereas permanent settlement was brought by Lord Cornwallis in 1793. Second, the center of the system was in village. Permanent settlement ka there was not such centers. Villages were called Mahal. वहीं permanent settlement में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया। The revenue was revised periodically. The revenue was fixed in the permanent settlement. The charge to collect the revenue was on the village headman, whereas permanent settlement में the charge to collect revenue was on the village zamindars. कौन कौन थे? जो राजा थे, जो तालुकदार थे, उनके बारे में। Is that clear? Next question. Give two problems which arose with the new Munro system of fixing revenue. जो Munro system आया था उसमें 2 major problems थे, वो क्या थे आपसे पूछा गया, ठीक है।
द न्यू मिनरल सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू पोज्ड टू प्रॉब्लम्स एंड दे आर ए द रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड विच वॉज टू हाई फॉर द पीजन. जो रेवेन्यू सेट किया गया वो बहुत ही हाई था पीजन के तरफ से, मतलब पीजन उतना भी नहीं पे कर पा रहे थे. ठीक है. बी पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द रेंट विच क्यूमुलेटेड इनटू विलेज गेटिंग डिजर्टेड. मींस समहाउ देयर उनको उस विलेज से भी बाहर निकाल दिया जाता था जब तक वो अपने रेवेन्यू को पे नहीं करते थे, अपने टैक्सेस को पे नहीं करते थे. आई होप यू आर क्लियर टिल हियर. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज बाय वेयर रायट्स रेलिक्टेंट टू ग्रो इंडिगो. रायट्स इतने अगेंस्ट होते हैं, रेलिक्टेंट का मतलब अगेंस्ट होता है. द रायट्स वेयर रेलिक्टेंट टू ग्रो इंडिगो फॉर द बिलो गिवन रीजंस. कुछ इन रीजंस की वजह से रायट्स नहीं चाहते थे कि वो किसका इंडिगो की कल्टीवेशन करे. ए दे वर पेड वेरी लो प्राइस फॉर इट. बी दे नेवर सॉ एनी प्रॉफिट फ्रॉम द इंडिगो प्लांटेशन. उल्टा उनका जो लैंड है वो भी डिग्रेड होते जा रहा था. ठीक है. यू कैन राइट इंक्लूड दिस पॉइंट ऑल्सो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल. क्या कारण था जो बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया, मीन्स खत्म हो गया. द कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन द बंगाल वॉज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग रीजंस विच आर एज फॉलोज. ए रायट्स डिनाइड प्रोड्यूसिंग इंडिगो एनीमोर. जो भी वहां के फार्मर्स थे वो डिनाई करते थे कि अब हम इंडिगो की कल्टीवेशन या प्रोडक्शन नहीं करेंगे. प्रोटेस्ट स्टार्टेड टेकिंग प्लेसेस बाय पीजन सपोर्टेड बाय जमींदार. अब ये लोग क्या किए, प्रोटेस्ट करने लगे और जिसका सपोर्ट जमींदार करने लगे. द इंडिगो कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द गवर्नमेंट विच एक्सेप्ट द फॉल्ट ऑफ प्लांटर्स. एक इंडिगो कमीशन बैठाई गई प्लांटर्स के अगेंस्ट, जहाँ पे ये क्लैरिफाई किया गया कि जो रेयर्स है उनके ऊपर काफी अत्याचार किए जा रहे हैं प्लांटर्स के द्वारा. ठीक है. द प्लांटर्स इवेंचुअली मूव्ड आउट ऑफ द सिटी. दिस वॉज द वे प्लांटर उस सिटी से बाहर चले गए. आई होप दीज आंसर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ये आपके लिए काफी बेनिफिट करेगा. अगर आपको इस चैप्टर से या इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. टिल देन